नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से पिछले 7 साल से फरार चल रहे 7,000 के नामी बदमाश को क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रेम चौहान ने प्लॉट बेचने के नाम पर द्वारकापुरी थाने क्षेत्र में फरियादी के साथ धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया था। पूरे मामले की धोखाधड़ी षड्यंत्र की धाराओं में FIR दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 7,000 का इनाम भी घोषित किया था, जिसमें स्थायी वारंटों की धरपकड़ के दौरान इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी के प्रकरण में बारीकी से पूछताछ शुरू कर दी है। ये एक धोखाधड़ी में एक आरोपी फरार था, लगभग 7 वर्षों से फरार था। उस पर जो कि 2 थानों में FIR थी, जिसमें एक रायन नगर थाना और दूसरा थाना है आपका द्वारकापुरी। इनसे द्वारकापुरी से 5,000 रुपये का इनाम घोषित था इसकी गिरफ्तारी पर, और रायन नगर से 2,000 रुपये का इनाम घोषित था। कुल मिलाकर 7,000 का इनाम घोषित था। इसके ऊपर धोखाधड़ी के कई मामले पंजीबद्ध है। इसमें 3 स्थायी वारंट रायन नगर में पेंडिंग है और ये फरार चल रहा था अपने द्वारकापुरी से। तो इसमें क्राइम ब्रांच और द्वारकापुरी पुलिस को इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये गुजरात का मूलतः रहने वाला है और इसने प्लॉट के नाम पर फरियादियों के साथ धोखाधड़ी की थी और उनका पैसा ले लिया था। तब से 7 वर्षों से ही फरार था और उसको पकड़ने में क्राइम ब्रांच और द्वारकापुरी पुलिस ने सफलता प्राप्त की। इसमें लगभग 20 लाख से ऊपर का अमाउंट था और इसमें अभी 3 स्थायी वारंट उसके ये वहाँ से रायन नगर में पेंडिंग है और द्वारकापुरी से फरार था। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।